श्योपुर जिले के क्षेत्र क्रमांक 2 विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास रावत के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आने वाले थे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। जनता उन्हें सुनने जनता एकत्रित भी हो चुकी थी। इसके ठीक पहले दतिया में हो रहे कार्यक्रम के दौरान चल रही सभा के दौरान हेलीकॉप्टर खराब हो जाने के कारण विजयपुर की सभा रद्द की गई, जिसके बाद उन्होंने मोबाइल के माध्यम से जनता को संबोधित किया और कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण विजयपुर की जनसभा को संबोधित नहीं कर पाया, इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं, आपका बेटा राम निवास रावत को वोट देकर विजयी बनाए। जिसका कई कार्यकर्ताओं ने बसपा और बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में सदस्यता ली। उनका साफी माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम निवास रावत ने अपने कार्यकाल में विजयपुर की जनता के लिए काफी संघर्ष किया है। सभी पार्टी वक्ताओं ने राम निवास रावत का विजयपुर विधानसभा से विजयी बनाने की जनता से अपील भी की। और लंबे समय तक शासन की सेवा में रहे, उपाधीक्षक पुलिस DSP से रिटायर हुए, आज हमारे बीच में है, आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विजयपुर के लिए काम करेंगे। आदरणीय उपेंद्र दीक्षित जी, मैं निवेदन करूंगा कि आज वो सदस्यता कांग्रेस के परिवार में जुड़े, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और व्यवहारिक है। आज इस कार्यक्रम में अपनी बात रखे मेरे भाई अनवंत प्रताप सिंह जी, हमारे बीच हमारे BS अनंत साहब ने भी सदस्यता ली है, जो रिटायर्ड भाजपा के लोग आकर कह देते थे कि विधायक भाजपा का है इसलिए सरकार को काम नहीं करने दे रहा। विधायक विधानसभा पहुंचाया, आपने मेरी पहचान बनाई, वो पावर वो शक्ति आपने दी, आपकी शक्ति है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। रद्द नहीं हुआ है, लेकिन माननीय कमलनाथ जी हम लोगों के बीच आज आएंगे और उनके आने या ना आने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो जनता है वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस की जो भीड़ हमारी दिखाई दे रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रही है कि सब लोगों ने मन बना लिया है इस BJP अहंकारी सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को जवाब देने के लिए। इसलिए 17 तारीख की जो वोटिंग होगी उसमें हम सब लोग मिलकर कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हम सब लोग चाहते हैं और इस अहंकारी सरकार को, इस रावण को, इस रावण यानी जो कंस मामा भी है, मैं तो उसे रावण कहूँगी, इस रावण को यहाँ से दहन करके वापस भेजना होगा, मध्य प्रदेश से निकालना होगा। इसीलिए हम सब लोग मिलकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं राम निवास रावत जी के समर्थन में और हम चाहते हैं कि हमारी पूरी जनता इस बार इकट्ठे होकर वोट देगी भारतीय जनता। लेकिन मोदी का जादू अब नहीं चलने वाला है, वो तो मदारी है, वो तो डमरू बजा के आ जाते हैं खेल दिखाने के लिए, बजाते रहे, इस बार जनता उनके बस में आने वाली नहीं है और बहुत हो गया उनका बहुत हो गया तमाशा, हम सब लोगों ने देख लिया है और सबको जो झूठ पे झूठ जिस तरीके से उन्होंने बोला है, यह झूठ अब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, कि सत्य की जीत होती है, सत्य हमेशा चलता है, झूठ की तो बहुत उम्र कम होती है। देखिए वो एक नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई ना कोई बारिश हो। माननीय कमलनाथ जी की एक एज भी है और कहीं ना कहीं उनका ये चुनाव हो सकता है आखिर भी हो, इस चुनाव के बाद उनकी उम्र इतनी नहीं रहेगी कि वो क्षेत्र में जाना आना दौरा कर सके, इसलिए उनने अपने बेटों को उतारा है। ये कोई मतलब कोई बुराई नहीं है इसमें, हम भी अगर बड़े और बूढ़े हो जाते हैं आगे चल के, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी राजनीति हो, तो उनकी कमान संभालने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। क्या लगता है मतलब क्या लगता है कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस पिछली बार भी आई थी, सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ था सबको पता है, लेकिन इस बार 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 ये तमाशा नहीं चल पाएगा, हमारी जनता ने मन बना लिया है और पूरी जनता एक तरफा कांग्रेस को वोट देने वाली है ना। दतिया में वो सभा कर रहे थे, उसके बाद उनको सीधे विजयपुर में आना था, लेकिन अभी अभी सूचना आई है कि वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर में ख़राबी आ गई है, उस कारण से शायद उड़ान वहाँ से हो नहीं पा रही है और संभवतः हम कोशिश भी कर रहे हैं कि शायद दूसरा हेलीकॉप्टर अरेंज हो जाता, लेकिन शायद वो भी अभी एकदम से मिल नहीं पा रहा है, तो ठंड का समय है, दिन में कोशिश की जा रही है कि
संभव हो सके, लेकिन जहाँ तक सूचना आ रही है वो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था अभी नहीं है और नेवी वाला हेलीकॉप्टर सही नहीं हो पा रहा है। पर जो सूचना आ रही है वही समझेंगे कि सभी दौरा रद्द हुआ है।